हेलो एवरीवन इस वीडियो के अंदर हम गेट 2022 और गेट 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे काफ़ी बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या गेट के बाद क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और क्या हमें पी के बारे में हमें जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं और सेकेंडली कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कंप्यूटर साइंस में बहुत ही कम जॉब मिलती है फ्रॉम पी एस यूज तो क्या वहाँ पर कम जो जॉब मिलती हैं वो काफ़ी कम है तो आंसर ये है कंपेटिवली पहले से कम है बट स्टिल हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि हम हमें गेट से भी मिलते हैं तो इस वीडियो के बारे में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे आई होप कि जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा सो बिफ़ोर वी स्टार्ट आप सभी को पता है कि गेट का जो एग्ज़ाम है वो फिफ्थ फेबररी को है दैट इज़ फिफ्थ फेबररी ऑफ 2022 और आपको एडमिट कार्ड इस समय पर जा चुके हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आपने किया है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और सेकेंडली जो हमारा गेट का एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग सेशन में होगा दैट विल बी एट नाइन्थ एम टू ट्वेल्व पी तो अपनी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंगली ही आप प्लान कर सकते हैं ओके सो बिफोर वी स्टार्ट माय नेम इज़ हिमांशु कौशिक और मुझे इसी टीम मुझे गेट की फील्ड पर काफ़ी टाइम हो चुका है बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे लगभग नौ से दस साल का एक्सपीरियंस हो चुका है क्योंकि मैंने पहली बार गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था इन टू और इस समय पर दिस इज इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अब आ चुका है तो लगभग मुझे दस साल के आसपास का टाइम मुझे हो चुका है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए और मैंने इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ मैंने काम किया है सबके साथ मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो आई होप जो हमारा एक्सपीरियंस है आपको कुछ बेनिफिशियल रहेगा एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल सो टेलीग्राम इज हिमांशु गेट सी तो क्योंकि काफ़ी सारे मैं डेटा यहाँ पर डालूंगा कुछ ऐसे वीडियोस में डालूंगा उन सबका लिंक जो है वो इसी लिंक पर आपको मिलेगा सो प्लीज़ जॉइन माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ टी डॉट मी स्लैश हिमांशु गेट सी एस एंड ऑन अकेडमी वी हैव टू काइंड ऑफ कोर्सेस वन इज़ योर प्लस कोर्स एंड सेकेंड वन इज़ आइकॉनिक कोर्स सो एवरीथिंग विच इज़ एवेलेबल इन द प्लस कोर्स वो सभी चीज़ें आइकॉनिक कोर्स में भी है लेकिन आइकॉनिक कोर्स में कुछ स्पेशल है स्पेशल ये है कि हमारे पास एक मेंटर हमेशा आपके साथ रहेगा तो मेंटर का काम बस यही है कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपके मेंटर हमेशा आपके डाउट को सॉल्व करेंगे आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और अगर कभी भी आपको कोई भी हेल्प है चाहे वो मोटिवेशनल के बारे में हो चाहे किसी और चीज़ के बारे में भी हो तो जो आइकॉनिक कोर्स में जो मेंटर जो है हमेशा आपके साथ रहेगा तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं सो यू कैन टेक एनी वन ऑफ दिस कोर्सेज आइदर यू कैन टेक य प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन और यू कैन टेक आइकॉनिक कोर्स आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं एंड जितने भी कोर्सेज अन की तरफ से है जैसे ये हमारे पास फाइव टाइप ऑफ कोर्सेज़ हैं एंड हियर वी ऑल्सो हैव आइकॉनिक में आपके पास फोर टाइप ऑफ कोर्सेज हैं राइट सो आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन करेक्ट सेलेक्ट करते हुए जस्ट यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ कौशिक टेन क्योंकि कौशिक टेन से आपको कुछ ना कुछ आपको जो भी आ, आ, जो सब्सक्रिप्शन रहेगा उसमें आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा विच वी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ यू ओके, सो यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दिस सब्सक्रिप्शंस ओके एंड हियर यू कैन ऑल्सो टेक स्पेशल क्लासेस तो स्पेशल क्लासेस जो है वो बहुत ही इंट्रैक्टिव होती हैं जैसे मेरी जो है एक स्पेशल क्लास आ रही है तो मैं उसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ क्योंकि मेरी जो स्पेशल क्लास है दैट विल भी ऑन अन वेबसाइट आई मीन और वहाँ पर जो मेरी क्लास होगी दैट विल भी इलेवेंथ ऑफ जनवरी को होगी और द टाइमिंग विल बी नाइन ए एम तो जो सेशन रहेगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे डिजिटल लॉजिक के प्रीवियसर क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर साइंस ओके एंड सेकेंडली जिसने गेट की आप फील्ड में आप प्रिपरेशन कर रहे थे यानी कि गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के बारे में अगर आप तैयारी कर रहे थे तो गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अवेलेबल है फ्रॉम अन अकेडमी और जो हमारा एग्जाम रहेगा वो एवरी संडे को होता है जनवरी फ्रॉम सेकेंड जनवरी टू थर्टियथ ऑफ जनवरी और इसमें इंडिया में ज़्यादातर बच्चे लगभग सिर्फ कंप्यूटर साइंस की तरफ से भी एटलीस्ट फिफ्टी थाउजेंड स्टूडेंट जो है इसको स्मॉक इस टेस्ट को आप देंगे और इसलिए आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपका रैंक कैसा आएगा और आपकी जो टीम है अपनी जो प्रिपरेशन है किस लेवल तक है आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियत बन जाएगा इस तरीके लिए ओके तो यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ओके एंड सेकेंडली फ्रॉम अनएकैडमिक कॉम्बैक्ट जो है वो इस समय पर अवेलेबल है और जो कॉम्बैक्ट है वो गेट के लिए नाइन्थ जनवरी को है एट इलेवन ए एम तो जो आपका uh, एग्ज़ाम होगा वो वन आवर का होगा उसके अंदर ट्वेंटी क्वेश्चंस होंगे और ये सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है जैसे मकैनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस एंड आईटी तो अन एडमी कॉम्बैक्ट से कुछ ऐसा होगा कि आप इसके अंदर से आप कॉम्बैट में आप आ, आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा लेकिन साथ साथ आपको बहुत सारे गिफ्ट यहाँ से मिल सकते हैं काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिल सकते हैं जैसे आप यहाँ पर एप्पल आईपैड आप जीत सकते हैं उसके अलावा सैमसंग टैब आप जीत सकते हैं बहुत सारे ऐसे गिफ्ट हैं जो यहाँ से अवेलेबल है ओके सो यू कैन ऑल्सो गो विद दिस अनकेडमी कॉम्बैट ओके एंड माई कूपन कोड इज़ कौशिक टेन तो आप कौशिक टेन को आपको ले सकते हैं ओके नाउ अगेन मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरी जो स्पेशल क्लास है ऑन अन एकेडमी सो वो है इलेवेंथ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एट ट्वेल्व ए तो जो इसका लिंक है वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा मेरी स्पेशल क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है एज आई एम टेलिंग यू इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी राइट right? तो जो मेरी स्पेशल क्लास है वो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर होगा सो so जहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा और साथ साथ में हम जो टॉपिक्स यहाँ पर सेट करेंगे दैट विल बी के मैप्स एज वेल एज बुलियन एल्जेब्रा राइट प्लीज ज्वाइन माय यू नो स्पेशल क्लास ऑन अन अकेडमी सो लेटस स्टार्ट अब काफ़ी बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे पास कितने काफ़ी सारे पी एस हैं है तो यस मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास कम से कम 300 से ज़्यादा पी एस है और जो पी एस हैं वो अलग अलग सेंटर पर है जैसे कुछ ऐसे हैं जो स्टेट पी एस हैं कुछ ऐसे हैं जो सेंटर पी एस हैं जिसके बारे में आपको बताया था इस बारे में और जो हमारे पी एस हैं वो अलग अलग लेवल के हैं राइट जैसे मैं कुछ लिख लेता हूँ साथ साथ में जैसे हमारे पास कुछ पी हैं वो महारत्ना पी हैं कुछ नवरत्ना पी हैं कुछ मिनी रत्ना पी एस ईज़ हैं राइट right? तो पी एस ईज़ होता क्या है तो बेसिकली पी एस यूज़ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी कंपनीज़ जो हैं जो एक प्राइवेट और पब्लिक इन दोनों कंपनीज़ को ज्वाइन करके हमने पी एस यूज़ को बनाया है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक स्टेटर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसमें हमारे पास जो गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो अराउंड फिफ्टी वन परसेंट रहता है तो ऑब्वियसली जिसकी वजह से पी एस यूज़ की वजह से हमें एक सेफ्टी मिलती है एज़ अ गवर्नमेंट जॉब और साथ साथ में जो हमारी सैलरीज मिलती है वो प्राइवेट कंपनीज की तरह मिलती है और पी एस यू से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इट्स अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन अब जो हमारे पी एस यूज़ होते हैं वो काफ़ी बेसिस पर वो सेलेक्ट करते हैं जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं जो गेट की तैयारी कर रहे थे इसके अलावा यू विल ऑल्सो गेट ऑप्शंस फ्रॉम आईआईटीज आई और आईएससी इन सब से आपको सिलेक्शन होती है फ्रॉम पीएसयूज और यहाँ की जो सैलरीज होती है वो बहुत अच्छी होती है जैसे पी में जो हमारी सी टी सी जो हमारा रहता है वो लगभग लग ट्वेल्व से लेकर फिफ्टीन लैक्स पर एन के आसपास रहता है तो यानी कि जो हमारी सैलरी होगी वो ऑलमोस्ट वो आसपास होती है यू नो वन लाख पर डे पर मंथ राइट सो ओबियसली जो ये हमारे पास पी एस यूज़ होते हैं वो बहुत अच्छे ऑप्शन मिलते हैं सभी को पी एस यूज़ की प्रिपरेशन करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं ओके okay? अब यहाँ से मैं कुछ ऐसे पी एस यूज़ का डिस्कस करूँगा लगभग पांच ऐसे पी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर जो कि बहुत बेनिफिशियल है आप सभी के लिए जिसके लिए आप हंड्रेड परसेंट आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आता है हमारे पास आई ओ सी एल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिलता है राइट right? और इसकी जो सैलरीज होती है बहुत अच्छी होती है और जो इसके बारे में आप कुछ पढ़ेंगे तो इसका हाइट हेड क्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली से है राइट right? और जो कंपनी है जो अटराउंड सिक्सटी ईयर्स पुरानी कंपनी है और जिसके अंदर जो इसका रेवेन्यू अगर हम चेक करेंगे तो लगभग थ्री पॉइंट एट थ्री लाख करोड़ ये इसका टोटल रेवेन्यू है तो ऑब्वियसली ये जो कंपनी है वो किसने बनाया था इस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री राइट तो ओब्वियसली आई आई टोल्ड यू कि ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों का मिक्सचर है तो ऑब्वियसली आपको एक सेफ्टी मिल जाती है एस ए गवर्नमेंट राइट right? अब जो पी आ, आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं आई के बारे में ओके okay? अब अगर आप आई की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि अगर आपने बी किया है राइट right? तो उसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको एटलीस्ट बी ई और बी टेक आपने किया हो या फिर हायर हो जैसे कि आपके पास काफ़ी बच्चे हैं जो एम टेक जिन्होंने बच्चों ने की होती है तो उस केस में आपकी जो डिग्री है वो एटलीस्ट सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए उसके अलावा जो आपकी एज है वो ट्वेंटी सिक्स से कम कम होनी चाहिए राइट right. अब मुझको पता है जो बच्चे जनरली बीटेक करते हैं तो बीटेक बच्चों की जो फिनिश होती है बीटेक टेक वो ऑलमोस्ट वो ट्वेंटी फर्स्ट और ट्वेंटी टू की एज पर बच्चे उसको करते हैं तो लगभग आपके पास सिर्फ अगर आप इस समय पर बीटेक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पास भी कर चुके हैं और आपके पास अभी भी तीन चार साल इस समय पर अवेलेबल है जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं तो आप उसकी एज लिमिट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर सकते हैं सेकेंड आपके पास रहता है सिलेक्शन प्रोसेस तो कैसे इसकी प्रोसेस आप किस तरीके से शॉर्ट होते हैं तो पहला जिसका ऑप्शन है वो है हमारे पास वैलिड गेट कार्ड यानी कि आपका गेट एग्ज़ाम होगा और गेट एग्ज़ाम में आपकी रैंक जो अवेलेबल होगा उसके बेसिस पर ही वहाँ पर सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन में आपके पास यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी होगा और ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होगा इनके सिलेक्शन के इसके बेसिस पर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं और जो यहाँ पे सैलरीज है आई टोल्ड यू सैलरीज आर वेरी वेरी गुड यहाँ पर जो सैलरीज होती है पर मंथ विच इज़ अराउंड सिक्सटी थाउजेंड बट आई टोल्ड यू कि ये जो हमारे पास रहता है इसके अंदर मैं एक वर्ड में यहाँ पर वर्ड किया था जेट इज़ सी टी सी राइट राइट right. तो सी टी सी जो है वो अराउंड यहाँ पर सेवनटीन लैक्स के आसपास रहता है लेकिन जो आपकी सैलरी यहाँ पर मिलेगी इन हैंड दैट विल बी अराउंड हैंडिली थाउजेंड तो ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपके पास यहाँ पर मिलेगी इन हैंड ओके नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसको हम बोलते हैं बार्क तो बार्क का जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में है और ये जो है ये उन बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा जो कि यू नो कंप्यूटर साइंस या आईटी से है और जिनकी जो रिसर्च जो हमारे पास रहती है जो यहाँ से सलेक्शन जो आपका रहता है वो साइंटिफिक ऑफिसर्स के बारे में यहाँ पर रहता है साइंटिफिक ऑफिसर जिसको हम यू नो साइंटिस्ट भी बोलते हैं अब इसके जो सिलेक्शंस होते हैं वो दो तरीके से होते हैं पहला आप ओ -E और डी से इसका सिलेक्शन होता है या फिर इसके अलावा आपके पास गेट से रहता है राइट तो ओ -E जो है वो बेसिकली एक पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट फेलोशिप uh, होती है जिसके बारे में आप थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा तो इसके पहले सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन 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 प्रोसेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल एलिजिबिलिटी वो क्या है कि आपने बी किया हो बी -E किया हो बी -E किया हो या फिर आपने एम किया हो तो उस केस में आपके पास एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट आपकी डिग्री uh, डिग्री I mean, होनी चाहिए दूसरा आपको आपके पास एटी जो आपकी एज जो है वो ट्वेंटी सिक्स से कम होनी चाहिए राइट और थर्ड जो है जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके केस में क्या होता है कि हम पहली चीज़ तो है कि हमारे पास गेट थ्रू के से आपके पास स्क्रीनिंग होती है राइट यानि कि गेट स्कोर के नाम से और उसके बाद फिर आपका जो सिले स्क्रीनिंग होती है उसके अंदर फिर आपको ओ और डी का आपका एक राउंड यहाँ से होता है और उस राउंड में आपके पास इंटरव्यू uh, होता है और साथ साथ में उसके साथ मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पर वो चेक करते हैं ओके okay? और बेस कोल पे स्कोल स्केल जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है बिकॉज इट इज़ यू नो इट इज़ अ ऑफिसर लेवल राइट सो इट इज साइंटिफिक ऑफिसर लेवल राइट तो उस केस में आपकी जो बेसिक्स पे जो होती है वो अराउंड आपके पास फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास ये रहती है सो इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू थर्ड जो ऑप्शन हमारे पास रहता है दैट इज ओ आई ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिसको हम बोलते हैं ओ एन जी सी तो ओ एन जी सी जो है वो यू नो आर देस्ट यू कैन सी अराउंड थर्टी थाउजेंड प्लस लोग यहाँ पर यू uh, नो you know, एम्प्लॉयड है और यहाँ पर जो इसका हेडकोर्टर्स है वो न्यू डेली में है विच इज़ वसंत कुंज ओके एंड ऑब्वियसली जो पूरे इंडिया के जितना भी यहाँ पर गैस के बारे में और न, क्रूड के बारे में जो फैसिलिटीज़ होती है वो सब यहाँ से एटलीस्ट इंडिया में सेवेंटी परसेंट जो है वो यहीं से ही अवेलेबल है राइट right? यहाँ से पूरे इंडिया में यहीं से ही ऑयल जाता है और यहीं से ही गैस जो है वो यहाँ से जाती है ओके okay? तो ऑब्वियसली यहाँ से जो सिलेक्शन हमारा होगा वो प्रोग्रामिंग ऑफिसर्स के बारे में होगा आई टोल्ड यू जितने भी मैंने आपको जॉब यहाँ पर बताई है चाहे मैं आई की बात कर रहे हैं चाहे मैं बार्क की बात कर रहे हैं या फिर ओ की बात कर रहे हैं तो जितने भी सिलेक्शन यहाँ पर होंगे वो एज ए ऑफिसर लेवल के ही होंगे ओके okay? और आप कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी आपको पोस्टेड किया जा सकता है अब ओ की जो एलिजिबिलिटी क्या है तो अगर आपने बी या बी किया हो इन कंप्यूटर साइंस और आई और उस केस में आपके पास एटलीस्ट आपके पास सिक्सटी परसेंट मार्क्स आपने स्कोर किया है तो उस केस में आप एलिजिबिलिटी वहाँ पर आप हैं और लेकिन कुछ बच्चों के स्पेशली ये भी है कि अगर आपने एम भी किया है तब भी आप वहाँ पर एलिजिबल है करेक्ट नेक्स्ट आपका जो एज लिमिट जो होती है हमारी वो यहाँ से मैक्सिमम थर्टी एज की ही हो सकती है यानी कि आपकी जो एज है वो इससे कम यहाँ पर होनी चाहिए ओके okay, फिर से मैं आपको बताया था बच्चों को मैंने बताया था कि जो एज जो है ना स्टूडेंट्स uh, की आफ्टर बीटेक तो बीटेक के बाद बच्चे जो है वो अराउंड ट्वेंटी फर्स्ट और ट्वेंटी टू की एज में बच्चे इसको पास करते हैं अपने बीटेक को यानी कि अभी आपके पास काफी टाइम है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और सलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा अगेन एज अ टोल्ड यू कि ये होता है आपके गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर और उसके बाद आपके पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पर होगा तो विच इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल प्रोसेस काफ़ी सिंपल प्रोसेस है और जो सैलरीज है वो बहुत अच्छी है और जो आपकी बेसिक सैलरी जो है वो अराउंड सिक्सटी थाउजेंड से लेकर वन ट्वेंटी वन पॉइंट एट लाख पर मंथ के आसपास ही रहती है और आपकी जो इंक्रीमेंट होती है हर साल वो अराउंड थ्री के आसपास रहती है ओके सो आई कैन से ओ इज़ ऑल्सो ऑप्शन जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है दैट इज़ पावर ग्रिड तो पावर ग्रिड बेसिकली क्या होता है कि जो इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी uh, हमारे पास जाती है उसके लिए हम एक ग्रिड को यूज़ करते हैं तो यू कैन सी ये जो पावर ग्रिड जो है इट इज़ पॉसिबल इस फॉर एफिशिएंट एंड स्टडी फंक्शनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस ऑफ द ग्रिड यानी कि जो ग्रिड जा रही है पूरे इंडिया में उसका वो किस वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही वो सब यहाँ पर देते हैं और इसके काफ़ी सारे डिस्पैच सेंटर्स हैं इंडिया में अवेलेबल हैं ओके और ये जो है इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में ही है न्यू दिल्ली और कंपनी जो स्टार्ट करी थी वो मार्च 2010 के अंदर इसको करी थी ओके एंड इट इज़ ऑल्सो स्टेट ओन एंटरप्राइज और यहाँ पर भी सैलरीज जो है वो बहुत अच्छी है और यहाँ से जो आपका प्रोफाइल जो यहाँ से मिलेगा वो एग्जीक्यूटिव इन ट्रीनिज के सिलेक्शन यहाँ से होता है ओके okay? अब ओ की एलिजिबिलिटी क्या है तो उसके लिए आपने एटलीस्ट यहाँ से बी टेक आपने किया हो या फिर बी एस सी इंजीनियरिंग में कर रहा हो जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस आपने करा हो कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी और उसके अंदर एटलीस्ट आपके पास 65 परसेंट मार्क्स आपके पास होने चाहिए उसके अलावा जो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 28 से 28 से कम कम यहाँ पर होनी चाहिए और जो सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ पर होती है राइट right? तो उस केस में आपका वो गेट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा और उसके साथ साथ वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन एज वेल एज पर्सनल इंट, इंटरव्यू भी यहाँ पर सिलेक्ट होता है और जो पे स्केल होती है वो अगेन बहुत अच्छी होती है अराउंड सिक्सटी थाउजेंड के आसपास रहती है और बासी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आप सभी के लिए अवेलेबल होती है और जो सिलेक्शन जो होगा वो आपका एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का ही होगा तो अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अमेजिंग ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ़ यू और जो लास्ट ऑप्शन है तो दैट इज़ डी आर डी ओ ओके सो डी आर डी ओ जो है जिसको हम बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ये बहुत पुरानी कंपनी है जिसको अराउंड इस समय पर ट्वेंटी ईयर्स यहाँ पर हो चुके हैं और इसका जो नो गवर्नमेंट ने बनाया था इसे ओके okay? और इसका जो काम है वो बेसिकली जो भी हमारे पास डिफेंस की आ, रहती है जो मिलिट्री की जो रिसर्च होती है या डेवलपमेंट की जो भी होती है वो सब यहाँ पर डीआरडीओ के थ्रू ही होती है ओके okay? और जो आपका सिलेक्शन होगा जो प्रोफाइल यहाँ पर बनेगा द जूनियर रिसर्च फेलो और यू कैन से जे राइट और अगेन इसके पास पहले आप जे बनेंगे उसके पास आप एस बनेंगे और आप साइंटिस्ट की तरह यहाँ पर सिलेक्टेड यहाँ पर रहेंगे ओके okay? और अगेन इसके अंदर एटलीस्ट थर्टी थाउजेंड प्लस प्रोफेशनल्स जो है वो यहाँ पर काम करते हैं दस अवज ह्यूज ह्यूज लिस्ट राइट अब सिलेक्शन कैसे रहेगा सिलेक्शन के लिए आपने अगर आपने अपने बीटेक या बी -E आपने किया हो और साथ साथ में या तो आपने नेट क्लियर किया हो या तो एसलेक्ट किया हो या फिर आपने गेट इसमें कोई भी आपने स्कोर जो वैलिड स्कोर आपके पास आता है तो उसके बेसिस पर आप यू नो सिलेक्ट हो सकते हैं इस केस में ओके okay? और यू you नो know, आपकी जो डिग्री है वो फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए डिवीजन होना चाहिए यानी कि आप एटलीस्ट आपके पास यू नो सिक्सटी परसेंट आपके पास होने चाहिए ओके okay? नेक्स्ट आपकी जो एज लिमिट जो है वो ट्वेंटी एट से बड़ी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए ओके okay? और सिलेक्शन प्रोसेस जो है उस केस में आपका जो सिलेक्शन होता है वो यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड से होता है या फिर यू नेट से भी यहाँ पर सिलेक्शन होते हैं या फिर एसलेट के भी यहाँ पर होते हैं ओके okay? और उसके केस में आपका यू नो रिटर्न 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 टेस्ट होगा यहाँ पर और साथ साथ में इंटरव्यू भी होगा ओके okay? और जो पेस स्केल uh, जो होती है बिगनिंग बिकॉज बिगनिंग हमारे पास यहाँ पर जे आर एफ़ का सिलेक्शन होता, होता है फिर जे आर एफ होता है फिर उसके पास एस आर एफ होता है राइट तो जो फर्स्ट ईयर जो आपके पास रहता है पहले ईयर में आपकी जो पहली सैलरी uh, बहेंगे या फिर आपका uh, यू you नो know, जो आपको मिलेंगे यहाँ से वो अराउंड ट्वेंटी वन थाउजेंड के आसपास रहते हैं और उसके बाद सर एफ केसेस में अराउंड आपके पास फोर्टी से लेकर फिफ्टी थाउजेंड के पास मिलता है और वहाँ से आप एज ए साइंटिस्ट यहाँ पास सेलेक्टेड होते हैं ओके इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अमेजिंग ऑप्शन ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आप सभी के लिए ओके सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा और अगेन आई एम सेइंग मेरी स्पेशल क्लास अवेलेबल है जो मैं यहाँ पर एलेवेंथ जनवरी को यहाँ पर लूँगा विच इज़ ऑन नाइन ए एम और उस केस में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करूँगा जिसके अंदर के मैप और बुलेन अलजेब्रा के बारे में होंगे ओके एंड द लिंक जो है वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल होगा तो आई होप यू विल लाइक इट एंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक यू सो मच और इसका जो पी है कॉमेंट सेक्शन में अवेलेबल होगा साथ साथ में आप इस वीडियो को इस चैनल को बेल पर ज़रूर क्लिक करें थैंक यू सो मच